हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखिए, लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की थी, एटॉमिक रेडियाई की हमने बात कर ली थी। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास होता था कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल टू द सेंटर एंड द वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई तीन तरह की होती थी, एक तो कोवलेंट रेडियाई, दूसरा हमने पढ़ा था वंडरवाल रेडियाई और तीसरा हमने पढ़ा था मेटेलिक रेडियाई। देखिए, कोवलेंट रेडियाई हमारे पास होता है कि दो एलिमेंट होंगे हमारे पास और वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। और जो शेयरिंग का जो कॉमन पार्ट आगे निकलता है, यहां पर शेयरिंग का कॉमन पार्ट आकर निकल रहा है, ठीक है। तो इस शेप को हम बना सकते हैं इस शेप को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ये सेंटर है मेरे पास, ये सेंटर है मेरे पास, ये जो डिस्टेंस है उसका हाफ, ठीक है। ए बी जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है, उसको हम कोवलेंट रेडियाई बोल रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता था वंडरवाल रेडियाई हमारे पास होगा जो हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, और उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। तो इसको हम इनर्ट रेडियाई भी बोल सकते हैं, इसको हम इनर्ट गैस रेडियाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड बनाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो वन हाफ डिस्टेंस होगी नेबरिंग एटम मीन्स हमारे पास दो कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी, एक ये है नेबर में जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल रेडियाई, ठीक है। और फिर हमने बात कर ली थी कि जो वंडरवाल रेडियाई है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल रेडियाई के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट रेडियाई है वो बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे पास। तो इससे पता चलता है हमें वंडरवाल रेडियाई के पास जिसके पास वंडरवाल रेडियाई है जिन मॉलिक्यूल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल है वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट रेडियाई है, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो वेल अटैच्ड होंगे, वो एक दूसरे के पास में होंगे, क्योंकि स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट वो स्ट्रोंगली कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव कर ली थी कि जो वंडरवाल रेडियाई है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियाई से बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होती है, किससे, किसकी, वंडरवाल
रेडियाई की, ठीक है, ये बात हमने की थी। तो आज हम बात करेंगे यहां पर आज मेटालिक रेडियाई। हाँ जी, मेटालिक रेडियाई। देखिए मेटल्स की आपके पास, आपको पता है, प्रॉपर्टी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की प्रॉपर्टी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं मेटालिक लैटिस की बात करता हूं या फिर मेटल क्रिस्टल की बात करता हूं, ठीक है। देखिए लैटिस होता है वो स्पेस या फिर वो रीजन जहां पर जो मेटालिक बॉन्ड होती है एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है, उसको मेटालिक लैटिस हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, मेटल का काम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, वो आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो मेटल्स है पॉजिटिवली चार्ज आयन की फॉर्म में आ जाते हैं। और अगर मैं उनको एक क्रिस्टल लैटिस ले लेता हूँ सभी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स की, जैसे मैं बात करता हूँ Na मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स की फॉर्म में, Na पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। और जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। जो ये लैटिस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कर्नल्स बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एक कर्नल है वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इसको कर सकता है, क्योंकि पूरी लैटिस में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, और जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। और अगर मेटालिक रेडियस की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा इट इज द 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल्स। अगर मैं मेटालिक रेडियस की बात करता हूं तो हम बोलेंगे इट इज द 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयन्स इन द मेटालिक लैटिस into the metallic lattice means ये हमारे पास मेटालिक लैटिस प्रेजेंट थी, हमारे पास मेटालिक लैटिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दो मेटल्स के बीच जो बॉन्ड बनती है उसका हाफ हम क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियाई, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर से इसको शो करना चाहूं, हाँ जी, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, उसके जो 1/2 को, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू होगा 1/2 इज डिस्टेंस ऑफ ए बी, 1/2 डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्लियर है, उसको हम बोलेंगे मेटालिक रेडियाई, ठीक है, मेटालिक रेडियाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेटालिक रेडियाई है या फिर जो मेटालिक बॉन्ड होती है वो भी क्या होती है, वीक होती है, वो भी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती,
ठीक है, जो मेटेलिक बॉन्ड है वो भी वीक होती है, ठीक है, बट वंडरवॉल फोर्सेस से ज्यादा वीक नहीं होती, ठीक है, उससे ज्यादा स्ट्रोंग होती है, ठीक है। हाँ जी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कंपेयर करता हूं मेटेलिक रेडियाई को, अगर हम कंपेयर करते हैं मेटेलिक रेडियाई को कोवलेंट रेडियाई को और वंडरवॉल रेडियाई को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बना के देखते हैं। मेटेलिक रेडियाई हमारे पास होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ये जो डिस्टेंस दे रखा है उसका हाफ। कोवलेंट रेडियाई आपको पता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मींस कॉमन पार्ट हमारे पास आता है, ठीक है, वो होगा हमारे पास कोवलेंट रेडियाई, या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको इस तरह से शो कर सकता हूं, कॉमन पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ जी, वंडरवॉल रेडियाई है मेरे पास, जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड, और वो नेबर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस को हम, डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोल सकते हैं, वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। हाँ जी, पहली बात तो ये, एक तो स्ट्रक्चर से मुझे पता लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, ये है आपके पास कोवलेंट रेडियाई जो कि शेयरिंग है, मीन्स मान लो ये दोनों एलिमेंट है मेरे पास, अगर मैं बात करता हूँ शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेटेलिक रेडियाई की, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट है, इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, और मुझे डिस्टेंस देखनी है, इनकी हाफ डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कोवलेंट रेडियाई की, मीन शेयरिंग है, तो इसका मतलब मेरा एक कॉमन पार्ट है, मुझे इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स को इस तरह से नहीं जोड़ा, इस तरह से जोड़ा गया है, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ हमारी जो डिस्टेंस है, पहले हमारी डिस्टेंस ये थी, हमारी चौड़ाई विड्थ ये थी, ठीक है, हैंड्स की, अब हमारी विड्थ कम हो गई है, मीन्स हमारी जो बॉन्ड लेंथ है, शेयरिंग जब आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और ये तो नेबरिंग एटम, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की बात करता है, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तो पता नहीं कितनी दूर प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियाई होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो मैं ऑर्डर लिख सकता हूँ इसका, रेडियाई का, हाँ जी, वंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, नेक्स्ट मेटेलिक रेडियाई और नेक्स्ट उससे कम होती है, सबसे कम होती है कोवलेंट रेडियाई, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है, हाँ जी, फिर होती है मेटेलिक रेडियाई और सबसे कम होती है कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। और हम दूसरे फैक्टर से, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी पता लगा सकते हैं, इसमें जो वंडरवॉल रेडियाई है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई में क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, मेटेलिक रेडियाई में वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट वंडरवॉल रेडियाई से वीक नहीं होता, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन उससे ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर इसमें वीक वंडरवॉल रेडियाई में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पार्टिकल दूर दूर मिलेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट है ही नहीं आपस में, वो दूर दूर मिलेंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलेगी और उसका रेडियस भी ज्यादा मिलेगा। अगर हम बात करें कोवलेंट रेडियाई की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, स्ट्रोंग होता है, तो इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ
वेल अरेंज मिलेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से वेल पैक्ड मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कोवलेंट रेडियाई है या कोवलेंट रेडियस है मॉलिक्यूल्स का, वो कम होता है, क्लियर है। तो इस तरह से हम इस रेडियाई को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कि ग्रुप में या फिर पीरियड्स में, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, मीन्स वेरिएशन कैसे आता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।